हेलो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अभी अपने घरों से और रास्ता का हालत देख सकते हो। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपना एक दोस्त से मिलने के लिए, किसी काम से वो हमको बुलाया है। सामने में ही है उसका घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का दूरी है, बगल का गांव में ही कमता। तो चल के मिलते हैं, देखते हैं क्या कुछ प्लानिंग करके रखा है शायद उसने। और ऑडियो क्वालिटी मेरा ख्याल से पहले से कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि हमने कुछ सेटिंग भी किया है। क्या है कि इससे पहले वाला ऑडियो में मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा ये लग रहा था गेन, तो उसको मैंने माइनस किया है, 10 पे रखा है अभी। और आपको बता देते चलें कि ये हमारा DJI Action 3 कैमरा है। और अपना गाड़ी में फ्यूल भी डाल लिए हैं, बोतल से फ्यूल खरीद के ला करके। और बाइक का कंडीशन अभी ऐसा है ना कि हवा थोड़ा कम लग रहा है, पहले तो चल के हवा डलवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे का कुछ सोचा जाएगा। बहुत ज़रूरी है हवा डलवाना। क्या है कि मुझे चलाने में भी लग रहा है कि इधर उधर बाइक हमारा खींच रहा है थोड़ा। बारिश पड़ा हुआ है रोड में हर तरफ, देख सकते हो आप लोग। मोटो ब्लॉग का सेटअप करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे सारा सेटअप रेडी हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट ही किया है और वही वाला रोड में फिर से पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो रोड का हालत हमारा गांव का। लोग बाजार से रिटर्न भी आने लग गए हैं। मुझे भी थोड़ा मार्केट तरफ जाना था, पहले अपने दोस्त से मिलते हैं, उसके बाद में फिर डिसाइड होगा कहाँ जाना है क्या करना है। तो यही वाला रोड से हमको जाना पड़ेगा। इधर का भी रोड का कंडीशन कुछ उसी प्रकार का है, आप लोग को तो पता है गांव का रोड का कंडीशन इसी प्रकार का होता है। टूटा फूटा रोड, गड्ढा खड्ढा, कहीं भी पानी वगैरह जमा हुआ रह सकता है। और व्यू एंगल कैसा आ रहा है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है भाई। जब तक मैं एडिटिंग पे बैठूंगा नहीं तो मुझे देखने को मिलेगा नहीं। चचा मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कैमरा लगा के रखे हुए हैं बोल के, शायद इनको देखने दीजिए। बाइक चलाने में एकदम कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। क्या है कि बहुत दिनों से ना सर्विसिंग भी नहीं हुआ है बाइक का हमारा। मेन है कि बाइक को चलाने को मिलता नहीं है, बाहर में रहते हैं अधिकतर ज़्यादा टाइम, तो बाइक यूज होता नहीं है। और घर पे और भी बाइक है, तो जिनको ज़रूरत पड़ता है तो वही बाइक चलाते हैं। ये हमारा बाइक रखा हुआ रह जाता है, जिसके कारण से कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाता है बाइक का हमारा, और क्या ही कह सकते हैं। ये कांता गांव का रोड है भाई, ये भी देख लो, कांता और हमारा दोनों गांव लगा ही है सामने सामने में। तो दोनों गांव का रोड का हालत लगभग लगभग सेम ही है, आप लोगों ने देखा होगा अगली वीडियो में हमारा गांव का रोड का भी हालत। और अभी ये देखिए बगल वाले गांव का रोड का हालत भी सेम है कुछ। बस थोड़ा ही दूर बाकी है अपना दोस्त के पास पहुंच जाने के लिए।
गांव का जिंदगी तो अलग ही होता है दोस्तों, वैसे सुकून काफ़ी रहता है लेकिन बहुत सी परेशानियां भी रहती है। खास करके तो रोड का सबसे ज़्यादा इशू होता है, रोड भीड़ भाड़ तो नहीं मिलेगा गांव में लेकिन रोड का कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, ये चीज़ तो आप लोग को पता है बखूबी। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा। लोगों का नज़र मुझ पे पड़ रही है कि भाई कैमरा लगा के क्यों रखा है, जिनको तो समझ में आया होगा मोटो ब्लॉग का उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही है आगे वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है वही हमारा दोस्त का घर है। कहाँ है हमारा भाई देखते हैं। एक बहुत बड़ा सा तालाब भी है, इधर ही में बाइक को रोकते हैं, बुलाते हैं फ़ोन करके, फिर मिलते हैं आप लोगों से।